न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। प्रचार के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन और गंगा स्नान कर अपनी जीत की कामना की। इसके बाद हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और संत पर कई आरोप लगाए। हरीश रावत ने कहा कि उनके भाजपा ने 2017-2023 के विधानसभा चुनाव में एक झूठ गढ़ा है और उनके चुनाव परिणाम का अपहरण कर लिया है। डर है कि जिस तरीके से 2017 में और 2022 में भाजपा ने झूठ बोल करके, फरेब रच करके, निहायत शर्मनाक तरीके से अपने शीर्ष से एक झूठ को बुलवा करके और बार बार बुलवा करके जनमत का अपहरण करने का काम किया, इस बार भी अपहरण करने की कोशिश कर सकते हैं। हम उससे लोगों को उसके उसके हम लोगों को सावधान कर रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन भाजपा ने ताकत झोंक दी। जहानाबाद नगर पंचायत इलाके और पीलीभीत शहर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान पीलीभीत नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल, गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। रोड शो शहर के रेलवे स्टेशन से शुरू होकर 36 चौराहा, सुनगढ़ी होते विनय बस्ती होते विशाल टॉकीज में संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच चुंदा शुक्ला द्वारा आयोजित किए जा रहे अभियान के तहत गठित पुलिस टीम ने गंभीर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान थाना प्यागपुर की पुलिस टीम ने एक अपराधी का नाम रईस उर्फ पुदुरो को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस पर थाना प्यागपुर जनपद बहराइच में कई गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। राम जन्मोत्सव पर भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। राम भक्त पालकी में रामलला को लेकर निकले जुलूस में झांके और राधा कृष्ण का नित्य आकर्षण का केंद्र बन रहा। डीजे की धुन पर जमकर राम भक्त के गला मंडी के राम जानकी मंदिर से जुलूस निकाला गया था। कांग्रेस नेता पूर्व सांसद पूनिया ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीएल पूनिया ने कहा कि यूपी की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की पूरी कवायद है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा जनता और राष्ट्र के हित में काम करने वाली नहीं है। 10 साल का हिसाब देने के बजाय इधर उधर की बात करते हैं। 400 पार नहीं है, भाजपा के 400 हार का चुनाव है। संविधान को बचाए रखने का चुनाव है, ये सामान्य चुनाव नहीं है। सबको जुट के लग के और पूरा समर्थन देते हुए चुनाव लड़ाना है और जीत हासिल करनी है। जो रिपोर्ट अभी तक आई है, आ रही है, उसमें बहुत उत्साहजनक है इंडिया गठबंधन के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, और अधिकांश सीटों पर गठबंधन के कैंडिडेट्स जीत हो रही है। अमेठी पुलिस का फिर मानवीय चेहरा सामने आया। की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलते हुए आग बुझाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों का आग बुझाते वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि अज्ञात कारणों से लगभग 25 बीघा फसल में भीषण आग लगी थी। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर है, वहीं सियासी उठापटक भी। भाजपा में पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के शामिल होने के बाद इस उठापटक पर विराम लग गया है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद भाजपा ही हो चुके पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पीएम मोदी को देश का प्रधानमंत्री की बात करते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत दर्ज कराने की बात कहते हुए नजर आए। मोदी जी का 400 पार का नारा फलीभूत करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं और रात से हम लग गए हैं, और आज से पूर्ण तरीके से मेरे सभी समर्थक, चाहे वो मेरे सब जातीय बंधु हों या मेरे अन्य समाज के मेरे समर्थकों में, सब लोग लग गए हैं। दोनों नहीं, पूरे मंडल की लोकसभा सीटों पर, वहाँ बिजनौर में गठबंधन का प्रत्याशी है चंदन चौहान जी। कानपुर के शिकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लोडर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 20 यात्री सवार थे। वहीं इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए कांशीराम अस्पताल भेजा गया है। जानकारी मिलते ही डीसीपी पूर्व श्रवण कुमार सिंह, एसीपी सहित अन्य पुलिसकर्मी ने घटनास्थल का जायजा लिया। झांसी के उर्सला नगर में श्रीराम जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्रीराम का जन्म मनाया गया। इस मौके पर डीजे पर गीतों के साथ भगवान को छप्पन भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। श्रीराम नवमी पर्व को लेकर प्राचीन मंदिर को आकर्षक ढंग से फूलों से सजाया गया और दोपहर 12 बजे गाजे बाजे के साथ भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बधाई गीतों के साथ साथ भगवान को छप्पन भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। वहीं परकोटा मोहल्ले से शोभा यात्रा, शीतला माता मंदिर, मोदी चौराहा, कटरा बाजार में
होते हुए मातावाना मोहल्ले से वापस शीतला माता मंदिर पहुंचे। शोभा यात्रा में दो दर्जन से ज्यादा झांकियां, घोड़े, बैंड, डीजे, जगह जगह व्यापारियों द्वारा जलपान के स्टॉल लगाकर सभी का स्वागत किया गया। यह रामनवमी का जुलूस अपने नगर गुरसराय में कई वर्षों से यहाँ पर बड़े ही उत्साह पूर्वक सभी हमारे नगर के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं और हजारों की संख्या में भाग लेते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें भगवान श्री राम के इस जन्म उत्सव पर बड़े ही तन्मयता से अपना पूर्ण तन मन धन से इसमें सहयोग करते हैं सभी लोग। और हमारे सभी समाज के लोग, पत्रकार, पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन, सभी लोग बड़े। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया। रोड शो में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका को देखने के लिए लोगों में पूरा उत्साह नजर आया। भारी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी पर खूब तंज कसा। सहारनपुर में रोड शो गोली कोठी से होते हुए कई जगह से होता हुआ गुजरा। रोड शो में कांग्रेस नेताओं के साथ सपा के नेता भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान प्रियंका जिंदाबाद के खूब नारे लगाए गए। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने पत्रकार वार्ता में दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला से पुलिस के माध्यम से दबाव बनाकर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि किदवई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजेश कुमार शुक्ला का शैलेंद्र मिश्रा से बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि भूतल में कोई भी मकान तब तक नहीं बनेगा जब तक केडीए से नक्शा पास नहीं होता। बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा ने यह कहकर कि भूतल का केडीए से नक्शा पास हो गया है, अवैध रूप से भूतल में 2 BHK का फ्लैट बना लिया और झूठ बोलकर सरदार गुरदीप सिंह को विक्रय कर दिया। झांसी में राम जन्मोत्सव और रामनवमी के मौके पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उत्साहपूर्ण माहौल में रामनवमी मनाई गई। इस दौरान कल्याण बाल विद्या मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव आशा अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर के महंत पंडित पप्पू पांडा ने भगवान के बाल रूप का अभिषेक कर पूजन कार्यक्रम संपन्न करवाया। सुबह से मंदिर परिसर में श्रद्धालु जमा होने लगे थे। जैसे दोपहर के 12 बजे समूचा मंदिर परिसर भय प्रकट, कृपाला, दीन दयाल और भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। भगवान के पट खुलते ही सभी ने भगवान की नयन भीरमा झांकी के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने भगवान के स्वरूप की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। कानपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में एसीपी पनकी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच करने पर पता चला है कि शिवा नामक युवक ने अपनी पत्नी गुंजन गुप्ता की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। मृतका की मां की तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीमें गठित कर ली गई है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसको साझा किया जाएगा। कानपुर मीडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से अपील की गई। भाजपा के संकल्प पत्र को एक बार जुमला पत्र बताते हुए आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह के दिशा निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के लिए जारी भाजपा के संकल्प पत्र को जुमला पत्र करार दिया गया। कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ, गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे, तो उसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता करके हम आपके द्वारा लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ा रही है। और जो भाजपा का जो भी संकल्प पत्र आया है, जो उनके वादे आए हुए हैं, वो सब पूरी तरह से जुमला साबित हुए हैं। चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ सरकारी नौकरियों की बात, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, हमने देखा कि एटा के कस्बा अलीगंज में श्री राम नवमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। पूरा कस्बा शक्ति की भक्ति मिली नजर आया। बुधवार को श्रीराम नवमी पर कस्बा के प्राचीन देवी मंदिर पर चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन सभी सिद्धियों की माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। देवी पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भीड़ को देखते हुए मंदिर में लाइन लगाकर श्रद्धालुओं को पूजा कराई गई। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अत्यंत प्रिय चना, हलवा, पूड़ी का भोग लगाया गया। सुबह से ही देवी मंदिरों में घंटा घड़ियाल की गूंज सुनाई दे रही थी। भक्तों ने मंदिर पहुंचकर माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। हरदोई की मलवा पुलिस ने एक झोपड़ी में चल रही अवैध असला फैक्ट्री बरामद की। पुलिस ने यहां से 3 लोगों को असला बनाते पकड़ा और उनके पास से 5 तमंचे, 4 अधबने और भारी मात्रा में असला बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना मल्लाव की पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी समय मुखबिर से सूचना पर एक गाँव देवपुरा पड़ता है, वहाँ की कटारी में यह सूचना मिली कि वहाँ पे कुछ व्यक्ति असले बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई। वहां से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, क्रमशः राम सिंह, यह मजीद, उनके हिरासत ले
मंदिर गांव निवासी महेंद्र मुसर बीती रात गेहूं की मढ़ाई करने पास के गांव में गया हुआ था। घर में उसकी पत्नी रानी अपनी 1.5 साल की बेटी रंजना को लेकर चार पाई पे सोई हुई थी। रात में करीब 10:30 बजे जब उसकी नींद खुली तो देखा तो बेटी चार पाई पे नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि बच्ची नहीं है। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने खोजबीन की तो घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक गड्ढे मासूम का शव मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। काफी खोजबीन के बाद ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसकी मौत कैसे हुई। बच्चे के सर में हल्की चोट के निशान थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। मृतका के दादा की तहरी पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 17 अप्रैल 2024 को थाना हंडिया से पप्पू मुसहरा द्वारा सूचना दी गई कि इनके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा अपराध संख्या 173/24 अंतर्गत धारा 302 पंजीकृत किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी है, अग्रिम विवेचना की जा रही है। सितारगंज नगर पालिका के 2 बार चेयरमैन रहे हाजी अनवर अहमद ने लोकसभा मतदान से 2 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। अनवर अहमद निर्दलीय 2 बार पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी परवीन बेगम बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने बताया कि निजी कारणों के चलते वो कांग्रेस पार्टी में समय नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में लोगों के पोस्टर बैनर से लोकल मुस्लिम लीडर पूरी तरह नदारद है। पार्टी छोड़ने के पीछे अनवर अहमद ने इस वजह को भी सार्वजनिक रूप से दर्शाया है। मैंने ज्वाइन की थी कुछ टाइम पहले, अब मेरे घर में ऐसी परिस्थिति बन गई जो कि मैं इलेक्शन के टाइम पर जो है कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी के लिए टाइम देना चाहिए वो टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ वहाँ पर। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं जब टाइम नहीं दे पा रहा पार्टी के लिए तो पार्टी में रहने का कोई उचित ही नहीं है। दूसरे जब मैं कार्यालय पहुँचा ज्वाइनिंग के बाद तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो होर्डिंग लगे हुए हैं वहाँ पर उसमें कोई मुस्लिम लीडर। बहराइच के पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत पुलिस टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और इन अभियुक्तों को माननीय न्यायालय बहराइच के सामने पेश किया। इन अभियुक्तों का नाम अशोक कुमार और सुमन है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।